तमाम मेरे गाड़ी फैंस को वाजेश सोमप्रीत सिंह आदमी बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे घर के सहन में आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्नामेंटल प्लांट्स देख रहे हैं और आदमी बात है बाहर के मौसम शुरू होते ही हर कोई अपने गार्डन को है मैनेज करने में लगा हुआ है और ऑब्वियसली है मैं भी अपने छोटे से ये घर के सहन में जितने भी प्लांट्स हैं इनको भी स्टेप बाय स्टेप है मैनेज कर रहा हूँ। मेरे रूफटॉप गार्डन में आप मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स तो देख रहे हैं जिसमें खासतौर पर विंटर फ्लॉक के फ्लावरिंग प्लांट्स भी शामिल हैं, फर्दर ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। लेकिन मैंने कहा कि ज़रा अपने खासतौर पर सहन में भी है जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी मैनेज किया जाए और इस वक्त भी है, इन पे भी है, बाहर के शुरू होते ही इनमें नए नए सब लीव्स निकलने का सिलसिला शुरू है। बेसिकली आज की मेरी वीडियो इस वक्त ये जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये कोलियस का ये प्लांट है और इसकी है प्रूनिंग के हवाले से है। आप कहेंगे कि ड्राई सीनिया वहाँ है, कैना लिली भी वहाँ है, ये इतना फैल फैल के यहाँ इतना यहाँ कहाँ तक ये हो गया हुआ है। इसकी असल वजह क्या है? सनलाइट, क्योंकि जिस वक्त ये कोलियस है भरा भरा था उस वक्त बहुत कम मेरे सहन में बामुश्किल है खासतौर पे विंटर के चिल्ड वेदर में है एक घंटे की सनलाइट आती थी और लाजिम बात है प्लांट को है सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है और नॉर्मली इससे भी एक घंटे की सनलाइट है उस वक्त इनफ सनलाइट थी इसकी ग्रोथ के हवाले से। तो जहाँ जहाँ से सनलाइट मिलती गई वहाँ वहाँ इसकी ये ग्रोथ है ये से अपना ये कोलियस है ये फैलता गया। ऑब्वियसली है उसके बाद है लाजमी बात है पत्ते भी इसके झंडे का मौसम था। तो मेरे गर्ल फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस जो कोलियस के है इनको आदमी बताएंगे प्रूनिंग मैं करूँगा और प्रूनिंग भी इस अंदाज में करूँगा ताकि यही जो आगे जो ब्रांचेस हैं ज़ाया ना जाएं बल्कि गार्डनिंग के हवाले से फर्दर हैं इन्हें यूज़ किया जाए एज ए कटिंग के तौर पर। बकायदा कीजिए इनकी किस अंदाज में मैं कटिंग करूँगा ताकि ये जो ब्रांचेस हैं इनको दोबारा रीग्रो किया जाए, क्योंकि ये भी ब्रांचेस हैं अगर आप पानी में लगाएंगे जैसा कि ये मैंने पानी में लगाई हुई हैं इसकी कटिंग्स करके है तो ये विद इन 7 डेज में है इनकी रूट्स हैं पानी में निकल आती हैं और उसके बाद है आप इन्हें मुख्तलिफ जगह पे दोबारा दोबारा जहां आप लगाना पसंद करें वहां आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन वही सीमेंट का पॉट है और वही कोलियस की एक दो ब्रांचेस हैं जो मेन ब्रांचेस हैं आपको नज़र आ रही हैं और बाकी तमाम ही ब्रांचेस कट ऑफ होगी हुई हैं। अब ऊपर से थोड़े थोड़े से आपको फ्लावर्स हैं इनके भी पिंचिंग होगी अब ऊपर से बाद में ताकि एक नए सिरे से इनकी ग्रोथ हो और एक प्रॉपर शेप में है इसकी आउटलुक है देखने वालों को सामने आए और गार्डन की जो मेरे है सहन के गार्डन की आउटलुक भी है अच्छी से अच्छी खूबसूरती हो और एक तरह के ये प्रीमियर प्लांट हमेशा रहने वाले हैं अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आज की मेरी वीडियो मेरे ग्रैंड फ्रेंड्स को कोलियस की प्रूनिंग बल्कि हार्ड प्रूनिंग के हवाले से पसंद आएगी।